पंजाब विधानसभा का दो दिवसीय सत्र हंगामे के बीच एक ही दिन में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्र को लीगल होने तक कोई भी बिल पास न करने की बात कही। 30 अक्टूबर को छुट्टियां खत्म होते ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी मुख्यमंत्री मान ने कही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह भी कहा कि गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की तरफ से बार बार चिट्ठियां लिखी जाती है, सत्र अवैध करार दिया जाता है। आज भी जो तीन बिल गवर्नर हाउस में परमिशन के लिए भेजे गए थे वे भी साइन करके नहीं दिए गए हैं। और रोज रोज की किचकिच से बेहतर है कि आप सरकार सदन के वैध होने तक कोई भी बिल पास नहीं करेगी। गवर्नर ना जा फिर वो एलजी ने दिल्ली दे, जबकि दोनों है नहीं, ना गवर्नर राज ना एलजी ने दिल्ली दे। सो लोगों दी भलाई के कामों के रिचना पाया बहुत ही वधिया गल नहीं, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा कि असी इस सैशन नू सैनिटाइज करके अगली सिटिंग लै रहे हैं। मेरे को ब्रह्मिंद्रा जी की चिट्ठी है 23/11/2019 नू लिखी हुई है। उन्होंने भी स्पीकर साहब नू चिट्ठी लिखी हुई है कि जी 14/11 नू इशू होया जी डिपार्टमेंट का जनरल एडमिन डिपार्टमेंट वालों कि जरा हाउस है स्पैशल सिटिंग ऑफ 9th सैशन ऑफ 15th विधानसभा 26 नवंबर 2019 जड़ा है वह बुलाया जाऊगा, क्योंकि पहला सैनिटाइज नहीं किया सी, सैनिटाइज किया सी, इस करके गवर्नर की परमिशन की जरूरत नहीं है। ब्रह्मिंद्रा जी ने चिट्ठी लिखी हुई है। तुसी सवाल साढ़े ते करी जाने हो कि लीगल है या इलीगल है, असं तो कहने लीगल है। इतने बहुत कम होंगे हजे मुद्दों से बोलना है, पर जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उदे विच वो कहिंदे तीन जिहड़े बिल ने मैं इन्हां नूं प्रवानगी नहीं दिंदा। मैं अज आखिरी मिनट तक वेट की है गवर्नर हाउस कि शायद मन जाण कि बिलों नूं प्रवानगी दे दो। एक बिल तो GST वाला सेंटर सरकार का है, सेंटर सरकार ने पास करवाउणा है हरेक स्टेट तो, उहदे नाल सानूं भी GST च फायदा होना है, सेंटर ने सारी स्टेटां तो पास करवाउणा है, मैंडेटरी है वो, तो फिर वह की करे वो एंड दे विच की लिखते ने। एंड दे विच वो ये कहते हैं जे तुसी कहते इस इलीगल सैशन नू कंटिन्यू रखिया तो मैं मानयोग राष्ट्रपति जी को शिकायत कर दूंगा।